हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल TET10 स्टडी पर। तो कैसे हैं आप लोग, कैसा पढ़ाई चल रहा है? उम्मीद है कि अच्छा पढ़ाई चल रहा होगा। तो केमिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं चौथा चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि है कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड से संबंधित जो भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। मतलब हम लोग जो भी वस्तु यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, उस वस्तु में कहीं ना कहीं उपयोग आने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कार्बन का यूज़ करा जाता है। तो अमूमन हमारे जो बॉडी है, किसी भी जीव का जो बॉडी है, उसमें भी कार्बन का परसेंटेज कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो कार्बन क्या है? एक तत्व है। ओके, और इसके अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो है आपका 6। कौन सा है? 6 है कार्बन परमाणु का क्रमांक। और बात कर लें कि जो कार्बन है वह हमेशा और हमेशा किस प्रकार का बंधन बनाता है, तो सहसंयोजक बंधन बनाता है। ओके, कार्बन के 3 परमाणु भी होते हैं, एक है हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फुलेरिन। याद रखना, हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, और ग्रेफाइट अधातु है, और अधातु होते हुए भी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चालन कराता है। ओके, चलो अगर बात कर लें कार्बन की, तो कार्बन परमाणुओं के बीच जो होता है एकल, द्वि या फिर त्रि आबंध बनता है। यानी कोई भी कार्बन है तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, या कोई कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बन सकता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच क्या बन सकता है? ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। ओके, तो यही यहाँ कहा गया है कि कार्बन परमाणुओं के बीच या तो एकल, या तो डबल, या तो ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। फिर बात कर लें एकल आबंध वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें कहा जाता है अल्केन। क्या? अल्केन। और जो डबल आबंध वाले यौगिक होते हैं उन्हें अल्कीन कहा जाता है, और जो ट्रिपल आबंध वाले यौगिक होते हैं उन्हें अल्काइन कहा जाता है। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि वैसा कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उन्हें क्या कहा जाएगा? अल्केन। डबल बॉन्ड तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। ओके, बात करें अल्केन के केमिकल फार्मूला का, तो अल्केन का केमिकल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या? CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। क्या याद रखोगे अल्कीन का? CnH2n, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और अल्काइन का क्या हो जाता है? CnH2n-2। अब यहाँ पर बात आता है कि C क्या है, तो C हो गया कार्बन, और N का मतलब हो गया परमाणु की संख्या। जो परमाणु की संख्या होगी वो लिखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, और H तो हाइड्रोजन है ही। चलिए अब बात करते हैं जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण जो होता है या तो साधारण नाम या फिर आयोपिक नाम द्वारा किया जाता है, यानी IUPAC नेम। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण साधारण नाम या IUPAC नाम द्वारा किया जाता है। तो IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए आगे बात कर लेते हैं कार्बनिक परमाणुओं की संख्याओं को निम्नलिखित मूल शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लो एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ का यूज करा जाता है, ठीक है, दो है तो इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, और दस है तो डेक। ये आप सभी याद रखोगे, ठीक है। अगर कहीं पर भी मिथ का यूज किया जाएगा, मिथ टर्म का यूज किया जाएगा, तो आप समझ जाना कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? एक होगा। इथ का यूज करा जाएगा तो दो होगा, प्रोप का तो तीन, ब्यूट का चार, पेंट का तो समझ जाना है कि पाँच होंगे, ठीक है, इस हिसाब से आगे देख लेना। फिर बात कर लें हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब बात करें हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं कितने? 4 प्रकार के, एक तो संतृप्त, एक असंतृप्त, और एक एलिसाइक्लिक, और एक एरोमेटिक, ठीक है। इसमें से अल्केन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और अल्कीन और अल्काइन जो होगा वो असंतृप्त होगा।
और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वैसा होगा जिसमें कार्बन के 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में होंगे। अब बात कर लेते हैं अल्केन का जो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी अल्केन समूह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये ट्रिक याद रखना कि जो भी अल्केन समूह से होंगे, ठीक है, वो स्टार्ट होंगे मिथ से, यानी इनमें एक कार्बन परमाणु होगा, और जो भी अल्कीन का होगा, ठीक है, अल्कीन वाले में इथ से और अल्काइन वाले में भी इथ से शुरू होगा। अब बात कर लें कार्बनिक यौगिकों के प्रकारात्मक समूह की, तो ये जो OH है इसको कहते हैं अल्कोहल या हाइड्रोक्साइल, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सील। जो CHO है इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, कीटोन को CO और कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH। तो पूछा जाएगा कि COOH किसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो बोलना कार्बोक्सिलिक एसिड का, CO कहेगा तो कीटोन का, CHO कहेगा एल्डिहाइड का, OH कहेगा तो अल्कोहल और हाइड्रोक्साइड का। चलो एक और पॉइंट देख लेते हैं, हेलो श्रेणी के जो यौगिक होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है हेलो एल्केन। क्या कहा जाता है, हेलो श्रेणी के यौगिक को हेलो एल्केन कहा जाता है। और इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 × X, जहाँ X की बात करें तो X जो होता है वो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, ठीक है। यानी हेलोजन वर्ग, पीरियोडिक टेबल का जो 17वां वर्ग है उसे कहा जाता है हेलोजन वर्ग, और उस वर्ग के जो तत्व होते हैं उनसे अगर कोई यौगिक का निर्माण होता है तो उन्हें कहा जाता है हेलो एल्केन, ठीक है। तो 17वें वर्ग में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे बात कर लें तो आगे आपका आता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का जो प्रकारात्मक समूह होता है वो होता है OH। इसका सामान्य सूत्र की बात कर लें तो कभी भी आप यौगिक का निर्माण करोगे तो इसका हो जाएगा CnH2n+1 × OH। और किसी भी यौगिक में अगर OH रहेगा तो समझ जाना कि वो किससे है, अल्कोहल से बिलोंग करता है। तो जब भी अल्कोहल का यौगिक बनाया जाता है तो उसमें एल्केन में से, है ना, एल्केन में से ई को हटा दिया जाता है और इसके साथ जोड़ दिया जाता है OL, ये याद रखना। यानी एल्केन के ई को हटाकर ऑल जोड़कर नाम को लिखा जाता है। जैसे कि अगर मान लो मीथेन है तो मीथेन का क्या हो जाता है, CH4 होता है, ठीक है। क्या होता है मीथेन का, CH4 होता है, तो इसमें से एक माइनस करके इसके साथ OH ऐड कर दो तो CH3OH हो जाएगा, ओके। और इसका नामकरण करना है ना, तो इसमें से क्या करो, एल्केन है ना, मिथेन है ना, तो मिथ में से ENE को हटा दो, किसको, ANE को हटा दो और इसके साथ जोड़ दो किसको, सॉरी ई को हटा दो और ई के साथ, ई को हटाने के बाद जोड़ दो क्या, ऑल, तो हो गया ना मिथेनॉल, या इसी को मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लो, ये हो गया C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल का। तो अगर बात करें ये पहले क्या था, तो C2H6 था, इथेन था, तो इथेन में से ई को हटा करके OL जोड़ दिया तो हो गया इथेनॉल। तो अगर इथेनॉल लिखा हुआ रहे तो समझ जाना क्या हो जाएगा, प्रकार्यात्मक समूह अल्कोहल। आगे है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। सामान्य सूत्र की बात करोगे CnH2n+1 और CHO। इसमें आप देख लेना ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, दो कार्बन है ही, ठीक है, तो भी ये मीथेन से ही शुरू होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर इसमें जो होगा N का जो मान होगा वह 0 से शुरू होगा, ये चीज़ याद रखना, ये ट्रिक है याद रखने का। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर CnH2n है, तो अगर मान लो कि मीथेन का पूछता है तो मिथ के जगह पर यहाँ पर जीरो, एन के जगह पर यहाँ पर जीरो दे देना, अगर इथ पूछता है तो एक माइनस कर देना, समझ रहे हो ना, हाँ, तो जीरो से शुरू करना। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि मिथेनल के पूछता है, ठीक है, तो मिथेनल के लिए यहाँ पर मिथ के लिए हम जानते हैं क्या हो जाएगा, CnH2n+1 होगा, ठीक है, तो एन के जगह पर जीरो डालोगे तो कार्बन ये ख़त्म हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भी ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस वन है तो प्लस वन का मतलब एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और प्लस में CHO, तो क्या हो जाएगा, HCHO। अब देखो इसमें भी ई को हटा कर क्या जोड़ना है, अल्कोहल वाले में OL और इस वाले में AL,
तो मिथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथेनल। उसी प्रकार से अगर इथ है तो इथेनल। आगे देखो, आगे है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सी डबल ओ एच। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, सी एन एच टू एन प्लस वन इंटू सी डबल ओ एच। इसमें भी क्या करना है, एन का मान जीरो से ही शुरू करना है। ओके, जैसे मिथ है तो मिथ के जगह पर कार्बन परमाणु की संख्या के जगह पर एक लिखते थे ना, तो वहाँ पर मिथ में एक के जगह पर जीरो लिखेंगे। और इसमें भी नामकरण के लिए ई को हटा कर क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। तो देखो यहाँ पर एच सी डबल ओ एच है, तो इसमें ई को हटा करके क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड, तो बन गया मिथेनोइक एसिड। और कहीं पर भी मिथेनोइक यानी कि ओइक एसिड रहे तो समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, जैसे नामकरण करना हो, जैसे देखो यहाँ पर सी एच थ्री सी डबल ओ एच है, ओके, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसमें देखो एक और दो, दो कार्बन ऑलरेडी है तो इथेनोइक, एक कार्बन ऑलरेडी पहले से है तो मिथेनोइक। चूँकि एक कार्बन पहले से है इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। ये ट्रिक है हमारा, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन ट्रिक के सहायता से आप इजीली कर पाओगे। और आखिरी है कीटोन। कीटोन का क्या होता है, सी ओ होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा सी एन एच टू एन प्लस वन इंटू सी ओ इंटू सी एन एच टू एन प्लस वन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछता है क्या हो जाएगा, सी एन एच टू एन प्लस वन सी ओ सी एन एच टू एन प्लस वन। अब पूछेगा एन क्या है, तो एन जो हो जाएगा या दो तीन चार जो नंबर है वो। अब इसमें भी क्या करना है, एल्केन में ई को हटा करके वन जोड़ देना है। ठीक है, वन, या इसी को ऑन कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो शुरू होगा वो प्रोप से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मान लो कि प्रोपेनन है तो प्रोप में कितना होता है, तीन होता है। तो देखो एक दो तीन, तीन कार्बन है, यहाँ पर भी ई को हटा करके क्या जोड़ दिया, वन जोड़ दिया, तो हो गया प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। ओके, तो नाम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे कि मान लो कि नाम में ऑल लिखा रहे, ओ एल, तो समझ जाना अल एल डी किससे है, अल्कोहल से है। अल रहे तो अल्कोहल से, ओइक एसिड रहे तो किससे हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और अगर वन रहे यानी कि वन या ओन, ठीक है, तो हो जाएगा कीटोन से। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी पॉइंट्स मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो अब हम लोग इसमें एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने सहसंयोजक आबंध होता है, तो इसके लिए आपको संरचना बनाना पड़ेगा C2, ठीक है, और H6, जिसका मतलब है कि एल्केन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n, तो उसमें जो होता है हाइड्रोजन दोगुना करके तो जोड़ दिया जाता है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये हो गया। ठीक है, और यहाँ प्रत्येक साइड में क्या होगा, प्रत्येक साइड में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा प्रत्येक साइड में। तो अब काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, कितने हुए, सात सहसंयोजक आबंध बने, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बनिक जिसका कार्यात्मक समूह है। अब देखो मैंने अभी तुरंत बताया, जिसमें ऑन रहे यानी ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो देखो ई को हटा करके ओ एन ई जोड़ दिया, तो ओ एन ई जब जोड़ेगा तो वो कौन हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, भाई ईंधन नहीं जल रहा है सही से इसीलिए तो काला हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो सरलतम कौन है, जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा, मिथ है, क्योंकि मिथ का मतलब एक होता है। ठीक है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मिथेन हो जाएगा। आगे है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो वह क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन। आगे है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है, 0.03%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितना, 78, उसके बाद ऑक्सीजन कितना, 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हालांकि ऑर्गन पाया जाता है 0.94% के करीब। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, तो देखो मैंने तुरंत बताया, ये हो जाएगा आपका क्या, एल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा कीटोन। ठीक है,
पूछा गया है कार्बोक्सिलिक, तो बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है इथेलोन, इथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं जिनमें कितने सिग्मा आबंध होते हैं। तो याद रखना इथोलीन की बात कर रहा है, यानी कि इथोलीन मतलब दो कार्बन परमाणु वाला होगा, ठीक है। तो इथोलीन में जो होता है क्या होता है, दो सिग्मा आबंध होता है, दो पाई आबंध और दो सिग्मा। बी में है सिग्मा आबंध, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो पहला ही प्रश्न है वही है, बस यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया है। तो इथेन का क्या होता है, दो कार्बन परमाणु, तो आप काउंट कर लो ना सिंपली, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवा, तो सात करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है CnH2n+2 के इसका सामान्य सूत्र है, तो यह है एल्केन का, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नीला तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला तूतिया का होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, तो बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तीन होते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, ए करेक्ट आंसर होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। ग्लूकोज का पूछ लेगा तो C6H12 और O6। आगे सोडियम कार्बोनेट का ना सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3, और ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो जो कार्बोनिल समूह होता है उसे सूचित किया जाता है CO द्वारा, CHO एल्डिहाइड का, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का ना सूत्र क्या होता है, तो इथाइल, तो देखो इथाइल का मतलब हो गया इथ, यानी कि कितने, दो कार्बन परमाणु, तो दो किस में है, बी वाले में भी है, सी वाले में भी है और डी वाले में भी है। लेकिन जब अल्कोहल होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 × OH, तो इथाइल है तो दो है, तो दो रखो यहाँ पर, दो इंटू दो गुने दो प्लस वन इंटू OH, ठीक है। तो देखो C2, तो C2 कंप्लीट, ठीक है। और H कितना हो गया, दो दूनी चार, दो दूनी चार और एक पाँच, तो पाँच किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो ये हो जाएगा बेंजीन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध होते हैं। तो आप ऑप्शन में देखो, इसमें तो सिंगल होगा, इसमें भी सिंगल होगा, ठीक है, लेकिन जब तीन की बात करेगा तो इसमें हो जाएगा ट्रिपल, क्योंकि आप देख लो इसमें 3 × 6 = 8 एल्केन से है, 2 × 2 = 4 = 2 = 6 एल्केन से है, और यहाँ भी ये एल्केन से है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एच, यहाँ पर इसका चार पूरा हो गया और यहाँ पर इधर इसका एक एक हो जाएगा, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, सी करेक्ट होगा। अगला है निम्न में कौन युग्म समावयवी है, तो ऑप्शन में देख लो, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका क्या है, समावयवी है। आगे है इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो देखो नॉल, नॉल का मतलब OL आ गया ना, ये हो गया इथेनॉल, तो OL जब होगा तो वह हो जाएगा अल्कोहल का, अगर इसी जगह पर AL रहता तो हो जाता किसका, एल्डिहाइड का, इसी जगह पर अगर ओइक एसिड रहता तो किसका हो जाता, ओइक एसिड रहता तो इसका हो जाता है ना, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, या इसी की जगह पर ON रहता तो क्या हो जाता, CO का हो जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ऑल यानी OL, तो हो जाएगा A करेक्ट आंसर। आगे है निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो देखो मैंने बताया था कि जिसमें सोडियम और क्लोरीन हो वह आयनिक यौगिक बनाएगा, देखो इसमें सोडियम क्लोरीन दोनों है तो ये तो सहसंयोजी होगा नहीं, इसमें क्लोरीन है यह भी नहीं होगा, इसमें सोडियम है मतलब यह भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, मिथेन, मिथेन जो है आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए में, यह आपका सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। नेक्स्ट है COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो भाई COOH है, इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट ना दे करके अम्ल दे दिया है, सी करेक्ट आंसर। और
और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो CHO है ना, तो CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्रियाशील मूलक पूछा जाता है इसलिए याद रखना। कीटोन का क्या होगा? CO। एल्डिहाइड का CHO। अल्कोहल का OH, ठीक है। और एक याद रखना है COOH, यानी COOH। ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये चार कम से कम आप क्रियाशील मूलक याद रखोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें सभी क्रियाशील मूलक का जो संरचना है वो हम बताएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सारे संरचना को अच्छी तरीके से समझा देंगे, चाहे मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन का हो, चाहे मिथेनॉल प्रोपेनॉल का हो, चाहे आपका पेंटेनल ब्यूटेनल का हो, या आपका मेथनोइक एसिड एथेनोइक एसिड का हो, या जिस भी चीज़ का हो, अगर आप चाहते हो संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं तो कमेंट करना, हम बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।